हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फॉल थ्रू 60 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ द टावर इज। तो लेट्स से दिस इज टावर। अब बॉडी क्या है, ड्रॉप की जाती है टॉप ऑफ द टावर। ड्रॉप करने का मतलब हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है। 60 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड, यानी कि लास्ट 2 सेकेंड बॉडी यहाँ तक आ चुकी है और यहाँ इसके बाद बॉडी फॉल हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड्स टाइम ले रही है, लेकिन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 60 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। गट इट। तो लेट्स सी, हमारे पास टोटल टाइम हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक टी मान लेते हैं, टी टाइम लग रहा है। तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड्स यहाँ पर लग गया, तो ये हो जाएगा टी माइनस 2 सेकेंड्स। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लगाएं यहाँ से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो लेट से ये हमारे पास पॉइंट वन है, ये हमारे पास पॉइंट टू है, एंड ये हमारे पास पॉइंट थ्री है। तो वन एंड टू के बीच में इक्वेशन लगा दें, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो मान लेता हूँ v सेकेंड पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा v टू पॉइंट टू पर वेलोसिटी इक्वल टू, ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस ए की वैल्यू होगी जी इंटू टाइम, यहाँ से हो रहा है टी माइनस 2 सेकेंड टाइम लग रहा है। तो पॉइंट टू पर वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, वी टू इक्वल टू जी टी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब हम लगा रहे हैं पॉइंट टू एंड थ्री के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पॉइंट टू से पॉइंट थ्री तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, 60 मीटर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर किया है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन हम नेगेटिव लेंगे। तो टू एंड थ्री के बीच में लगा रहे हैं, तो टू पॉइंट्स पर जो वेलोसिटी होगी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी। तो यू कितना हो जाएगा, जी इंटू टी माइनस 2। एंड टू एंड थ्री के बीच में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड्स, तो होगा 2 प्लस हाफ ए की वैल्यू प्लस जी होगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। 2 से 3 तक टाइम कितना लग रहा है, 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 60 इक्वल टू जी की वैल्यू 10 डालते हैं, तो ये हो गया 20 इंटू टी माइनस 2 प्लस ये हो गया 20/2, ये हो गया हाफ जी, टी स्क्वायर आएगा ये, तो ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 40, ये हो गया 20। इसको इधर लेके जाते ये बन जाएगा 40 इक्वल टू 20 टी माइनस 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 40/20 हो गया 2 इक्वल टू टी माइनस 2, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेकेंड। टी की वैल्यू 4 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम पॉइंट वन से लेके पॉइंट थ्री तक जो भी टाइम लग रहा है वो कितना आ गया हमारे पास, 4 सेकेंड टाइम कवर टाइम। अब हमको हाइट ऑफ टावर निकालें, यानी कि 1 पॉइंट से 3 पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक और इक्वेशन लगा देते हैं हम यहाँ से, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना यानी कि 1 पॉइंट से 3 पॉइंट्स तक ड्रॉप किया जाता है, तो इनिशियल 0 प्लस हाफ ए की वैल्यू जी यानी कि 10 इंटू टोटल टाइम कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना बने गया, 80 मीटर। 1 पॉइंट से 3 पॉइंट तक एंड टोटल हाइट ऑफ टावर कितना आ जाएगा, 80 मीटर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू।